और स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं वेव से। तो वेव होती क्या है? कभी देखी है वेव? पानी या पत्थर मारा है? अरे पानी पत्थर मारा कभी? वेव जनरेट होती है, ठीक है। तो होता क्या है वेव के अंदर? वेव के अंदर होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है। अब बेटा ये बताओ, इस ट्रांसफर में क्या पार्टिकल मूव करता है या सिर्फ एनर्जी मूव करती है? सिर्फ एनर्जी मूव करती है। गुड, सिर्फ एनर्जी मूव करती है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताया, तुम्हारे को याद होगा तुम्हारे को, कि मैं रस्सी ऐसे से घुमा रहा हूँ, ठीक है जी। तो रस्सी की वेव आगे जाती है बेटा, मानते हो? लेकिन पार्टिकल तो मेरे हाथ में रहता है, रस्सी मेरे हाथ में है बेटा, मानते हो? तो इसमें पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल अपनी जगह पे रहता है, एनर्जी मूव करती है। अब सुनो, वेव्स की प्रजाति होती है दो टाइप की। सुनो, वैसे चार टाइप की पढ़ेंगे हम लोग, बट स्टिल पहली टाइप जो होती है बेटा मेरे पास क्या होता है? मैकेनिकल। दूसरी नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव कौन सी होती है बेटा? नाम सुना कभी? नहीं सुना होगा। सुनो, मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मीडियम चाहिए। वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल पता है कोई मैकेनिकल वेव का? नाम नहीं सुना, एग्जाम्पल क्या पता होगा ना? साउंड वेव। साउंड वेव, गुड। जब मैं बोल रहा हूं तो क्या कर रहा हूँ? हवा के पार्टिकल को क्या कर रहा हूँ मैं? एनर्जी दे रहा हूँ बेटा, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और वो वाइब्रेट करके क्या कर रहे हैं? तुम्हारे कानों के पास घुस रहे हैं और कान जाकर तुम्हारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर रहे हैं, तो तुम सुन पा रहे हो बेसिकली। समझ में आ रहा है? तो मैकेनिकल वेव कौन सी होती हैं जो अपने प्रोपगेशन के लिए बेटा क्या करते हैं? मीडियम की रिकॉर्ड। दिशा बांबू कौन है भाई, जानते हो किसी को? कौन कौन से बच्चे आते हैं? चलो, नॉन मैकेनिकल वेव कौन से होंगे? नाइन्थ क्लास में? अच्छा, नाइन्थ वाले बच्चे जान लग गए, शाबाश। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होते हैं जिनको विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। चलो दीपाली जी, मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, फॉर प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। चलो, इसका एग्जाम्पल कौन है नॉन मैकेनिकल वेव का? लाइट वेव। लाइट वेव, लाइट में क्या होता था? लाइट वेव में कौन नाचता है? मैंने बोला ना कि स्ट्रिंग में तुम्हें पता होगा
स्ट्रिंग में क्या होता है कि पार्टिकल, आपका देखो मैं वीडियो ऑन करता हूँ, शक्ल तो दिखाने लायक नहीं बट दिखा जाता हूँ, ऐसे ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट करता है बेटा मान, तो स्ट्रिंग के अंदर तो आप यू कर रहे हैं ऐसे, ठीक है जी। तो इसमें कौन वाइब्रेट करता है लाइट में? फोटॉन्स। फोटॉन्स वाइब्रेट करते हैं, वेरी गुड। सुनो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल तो होते नहीं वैक्यूम में बेटा, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये वाइब्रेट करती है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है जी। कोई पार्टिकल तो होता ही नहीं, सन से लेके अर्थ तक कोई मीडियम है? कोई मीडियम तो है नहीं, तो पार्टिकल तो है नहीं, वैक्यूम होता बेटा मानते हो, तो पार्टिकल तो है नहीं, लेकिन कौन नाचती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नाचती हैं, उनके नाचने से प्रोड्यूस क्या होती है? ईएम वेव, उसे क्या बोलते हैं? ईएम वेव। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो, एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक, ठीक है, बात समझ में आ गई? आना तो बोलो। यस सर। ठीक है, अब इस ना वेव्स को दो कैटेगरी में और बांटते हैं आपा, दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? और सुन लो, वो होती है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, दो कैटेगरी में और बांटते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ये दो तरीके से क्यों बांटा गया? सुनो, मान लो एक पार्टिकल है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, और एनर्जी इधर जा रही है, तो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी और वाइब्रेशन में कितना एंगल है? एनर्जी इधर जा रही है, वाइब्रेट वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो कितना एंगल है बेटा? 90। तो बेटा इसको जो हमने बांटा है कि वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन इज ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। चमका भाई नहीं आया ना, बोलो भाई आया नहीं आया? सर एक बार दोबारा बता दो। बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सुन। देख बेटा, ये मान लेते हो पेन दिख रहा होगा ना, वेव जा रही है इस तरफ, तुम्हारी तरफ आ रही है मतलब ऐसे, ठीक है जी, और पार्टिकल नाच ऐसे रहे इसके ऊपर, ऐसे वाइब्रेट, ऐसे पार्टिकल यूं यूं ऑसिलेट कर रहा है और वेव ऐसे जा रही है, दोनों में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो बस यही एक इसका फंडा है, ठीक है जी। तो मैंने क्या लिखा है, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब दूसरी जो है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल, उसमें क्या है, पार्टिकल जो है ना वो भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव भी इधर जा रही है, तो क्या आप लिखेंगे इसमें? वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आया नहीं आया? बोलो पापियों। आ गया सर। तो ये किस में होता है ट्रांसवर्स, किस में होता है बेटा मेरा? ईएम वेव में, ठीक है जी। और ये किस में होता है? साउंड में। तुमने नाम सुना होगा कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, नाम सुना है? कुछ नहीं सुना, मैं सिखा दूंगा सारा, टेंशन आ लो इसमें, ठीक है जी। तो जब मॉलिक्यूल मतलब ऐसे ऐसे, पहले मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे थे, समान दूरी पे थे, कंप्रेशन में क्या होता, सारे पास आ जाते हैं ऐसे, देख ऐसे, ये कंप्रेशन हो गया, और रेयरफैक्शन में इनसे थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे ऐसे, ऐसे इसे बोलते हैं रेयरफैक्शन। समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। आसान ही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है।
अच्छा, एक और तरीके से बांटते हैं वेव को, कितने तरीके हैं सर? पहला तरीका क्या था मेरे पास, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। उसमें क्या बोला था कि जिसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए वो मैकेनिकल, जिसको नहीं चाहिए वो नॉन मैकेनिकल, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्या है, ऑसिलेशन और प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी में एंगल 90, लॉन्गिट्यूडनल में क्या है प्रोपगेशन ऑसिलेशन बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, तो क्या बोलेंगे पैरेलल। अब एक और तरीका है बांटने का, जैसे तुम लोग हो, एक मैं हूं और एक तुम हो, दो तरीके से बांटते हैं, एक तो प्रोग्रेसिव और एक स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि एनर्जी ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी, प्रोपगेट करेगी, एनर्जी विल फ्लो। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं करेगी, एनर्जी विल बी कन्फाइंड इन अ रीजन, एक ही रीजन रहेगी, इन अ रीजन ओनली। ये पढ़ेंगे बेटा जब टॉपिक आएगा ना तब पढ़ेंगे, अकेले वेव में नहीं होता ये, दो वेव टकराते हैं अपन तब बनती है स्टेशनरी वेव, ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जो उसमें एनर्जी का फ्लो हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो क्या बोलते हैं प्रोग्रेसिव। और इसके अंदर क्या है, स्टेशनरी के अंदर क्या होगा बेटा, एनर्जी कन्फाइंड रहेगी एक ही रीजन के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो पापियों, आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एबसेंट हैं आज, 19 बच्चे आए हैं, ठीक है जी। तो जो एबसेंट है मैं घर फोन करूंगा आज मैं, ठीक है, मुझे पता है कौन कौन एबसेंट है। मालविका का तो मैसेज आया था मेरे पास कि वो मैं नहीं आ पाएगी, ठीक है। एक मुस्कान नहीं आ रही भाई, खुशी क्या नाम उसका, खुशबू, मुस्कान क्यों नहीं आ रही भाई? दिव्या का नेट की प्रॉब्लम है मानता हूँ, ठीक है। मुस्कान को बुलाती हूँ मैं सर। अब मत बुला उसको, उसको बोल क्लास लगाया कर वो, ठीक है, अच्छी बच्ची यार वो, ठीक है। एक वो नहीं आ रही, शिवानी नहीं आ रही, घर फोन करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ आज सबके नोट करता हूँ, फोन करता हूँ जो नहीं आ रहे। चलो ये अपने क्या पढ़ लिया, इसके कैटेगरी पढ़ ली वेव्स, ठीक है। अब सर बताओ वेव है क्या, ठीक है, और क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, सुनो। वेव में क्या दौड़ता है, पार्टिकल दौड़ता है एनर्जी दौड़ती है, पहला सवाल। वेव में कौन दौड़ता है, एनर्जी, एनर्जी दौड़ती है। अब सुनो, वैसे वेव होती है बहुत अनंत प्रकार की, ठीक है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में जो वेव है ना बेटा वो कैसी है, सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या है, सिंपल हार्मोनिक वेव। अब इसका मतलब क्या है सर, सिंपल हार्मोनिक वेव, अभी पढ़ के आए थे ऐसे हमें याद है। तो मान लो ऐसे ये मेरे पास एक रस्सी है, इसको मैं ऑसिलेट करा रहा हूँ, ठीक है जी, वेव बनाई। तो सिंपल हार्मोनिक वेव का मतलब क्या है, जितने भी पार्टिकल इस पे हैं, जितने भी पार्टिकल मैं दिखा रहा हूँ, बहुत दूर दूर दिखा रहा हूँ लेकिन सारे पार्टिकल होंगे, ठीक है जी, जितने भी पार्टिकल आपको दिखेंगे ये सारे पार्टिकल क्या करेंगे बोलो, ये सारे पार्टिकल करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये भी अपनी जगह क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक। जितने भी पार्टिकल रस्सी पे दिखाई देंगे आपको, मैं तो बहुत दूर दूर दिखाएं आपको, पार्टिकल बहुत पास पास भी हैं, ठीक है जी, सारे पार्टिकल क्या करेंगे, एवरी पार्टिकल
विल परफॉर्म एस एच एन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन याद है ना सिंपल भूल गए हो याद है सर तो ये जो होगा रस्सी क्या कहलाएगी उसकी मेन पोजीशन कहलाएगी इसको क्या बोल देंगे ऊपर वाले क्या बोल देंगे राइट एक्सट्रीम बोल देंगे नीचे वाले क्या बोल देंगे लेफ्ट एक्सट्रीम तो सारे पार्टिकल ऐसे ही क्या कर रहे होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे ठीक है भाई समझ में आ गया अब हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर सुनो हमें पढ़ना है इसके अंदर कि इस पार्टिकल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे मतलब सुनो एक पार्टिकल एसटीएम करता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है करवाया था ना y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बोलो yes, तो y इसमें क्या आएगा देखो y मतलब अपने वहां x यूज किया था लेकिन यहाँ मैं y यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पार्टिकल ऑसिलेट कहाँ कर रहा है y में इसलिए मैंने y यूज कर लिया ठीक है जी तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एक पार्टिकल की एसटीएम की इक्वेशन है अब तुमसे सवाल क्या पूछेगा वो बंदा सुनो सवाल पूछेगा कि भाई वेव स्टार्ट यहाँ से भी मान ले से ओरिजिन बोल गया क्या बोल दिया अपने ओरिजिन बोल दिया तो इससे एक्स दूरी पे जो पार्टिकल है मान लो ये पार्टिकल है एक्स दूरी पे ये पार्टिकल एट टाइम टी पे उसका वाई क्या है मतलब वो कहाँ है मीन पे है एक्सट्रीम पे है, क्या है तो ये आपसे पूछेगा बात समझ में आ रही है नहीं आ रहा होगा ठीक है तो इसमें एस एच एम कितने हैं दो चार एस एच एम है या अनंत एस एच एम है इसमें इनफाइनाइट क्योंकि पार्टिकल इनफाइनाइट है तो हमें एक इक्वेशन चाहिए जिसको हम क्या सप्लाई करेंगे एक्स सप्लाई करेंगे टाइम सप्लाई करेंगे और वो हमें क्या देगा बोलो वाई देगा कैसे देगा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने x सप्लाई किया x से क्या पता लगता है बताओ x से क्या पता लगेगा displacement from mean नहीं x से पता लगेगा कौन सा पार्टिकल इसमें अलग है बेटा x से पता लगेगा कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं ठीक है पार्टिकल कितने हैं अनंत है बेटा तो ओरिजिन से दूरी बता रहा हूँ x में तो x बताएगा कौन सा पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं ठीक है t बताएगा क्या कि किस टाइम पे वो कहाँ पे है मीन पोजीशन पे है एक्सट्रीम पे है बीच में है बात समझ में आ रही है बोलो भाई आ रही है सर ठीक है अब सुनो तुम्हारा बेसिक ज्ञान दसवीं का टेस्ट कर रहा हूँ पता नहीं तुम्हें याद भी है या नहीं है राम जाने तुम दसवीं तक वेव पढ़ते तुम लोगों ने ये पढ़ा हुआ वेव ये होती है सर ऐसे ये वेव होती है सर ठीक है जो तुमने पढ़ा बता रहा हूँ इसको सर बोलते हैं क्रेस्ट ये भी क्रेस्ट और इसे बोलते हैं ट्रफ याद आ रहा है कुछ कुछ yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा और तुमने पढ़ा होगा कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है वेवलेंथ या लैम्डा तुमने ये पढ़ा होगा पक्की बात है ठीक है जी yes, sir. लेकिन वो अधूरा सत्य था ठीक है अब सुनो पूरा सत्य पढ़ते हैं हम लोग v जो है बेटा वेलोसिटी है किसकी वेलोसिटी है बोलो वेव की मतलब किस रफ्तार से एनर्जी आगे जा रही है बेटा उसे क्या बोलते हैं वेव वेलोसिटी ठीक है अब बताओ वेव में हर पार्टिकल क्या करता है ये पार्टिकल ऊपर गया एस्टम करता ना पहले ऊपर गया फिर नीचे आया पार्टिकल फिर और नीचे गया फिर ऊपर आया बेटा ये करते मानते हो आना बोलो यस सर तो ये जो चारों पोर्शन इसने किए इसका टाइम कितना लगता था टी बाय फोर इसका टाइम क्या लगता था टी बाय फोर इसका टाइम क्या लगता था टी बाय फोर इसका टाइम क्या लगता था टी बाय फोर याद आ रहा है कुछ कुछ तो जितने टाइम में ये पार्टिकल एक कंप्लीट ऑसिलेट कर रहा है जितने टाइम में ये पार्टिकल एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है
तो क्या उस टाइम तक क्या वेव यहीं रहेगी आगे जाएगी? बोलो बोलो भाई, वेव आगे जाएगी नहीं जाएगी? बोलो भाई, देखो भाई, पार्टिकल तो ऑसिलेट करते रहते हैं, वेव आगे आते हैं, मानते हो? पार्टिकल लगातार अपने क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और वेव कहाँ जा रही है? आगे जा रहे बेटा, मानते हो? यस सर। तो लैम्डा को डिफाइन कैसे करते हैं आपा, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव in one time period, in one time period, उसे क्या बोलते हैं बेटा? lambda. तो बताओ distance formula क्या होता है? बोलो by God, rocket science. distance होता है speed into time बेटा, मानते हो? तो पाप तो नहीं किया मैंने? यहाँ पे speed क्या आएगी बोलो? वेव वेलोसिटी भाई, वी आएगा, और टाइम क्या लूं? वन टाइम पीरियड बेटा, मानते हो? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लैम्डा या वेवलेंथ. जितने टाइम में एक पार्टिकल ने पूरा ऑसिलेशन किया, उतने टाइम में वेव कितना आगे बढ़ी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ. चमक रहा है या ऊपर से जा रहा है? बोलो पापियों, चमक कैसे? चमक गया सब लोग भाई? मैक को तो आ गया, बाकी लोग बोलो. आ गया सर. ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी इनटू टी. अब कुछ टर्म्स आएंगे बेसिक बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए. लैम्डा समझ में आ गया. एक टर्म आती है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बोलो क्या होता है? बोलो, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकंड. फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड. जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये पार्टिकल था, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर और नीचे गया, फिर वापस आया, तो इसे क्या बोलता हूं मैं? एक ऑसिलेशन. क्या बोलता हूं? मान लो ये पूरा काम करने में इसको टाइम लगा 0.2 सेकंड. क्या लगा? 0.2 सेकंड. तो बताओ एक सेकंड में कितने करेगा ऑसिलेशन वो? यार 0.2 सेकंड में एक हो रहा है, तो 0.4 में कितने? दो हो जाएंगे. 0.6 में तीन, 0.8 में चार, और 1 में पांच हो जाएंगे बेटा, मानते हो? यस सर. यस सर. तो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी इसकी? पांच कहलाएगी बेटा, मानते हो? इस एग्जांपल के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? पांच. मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. समझ में आया? यस सर. तो सुनो, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेशियो पता है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वन अपॉन टी. करा रखा है याद को ये? यस सर. चलो, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी याद रखना, ठीक है जी. अब इसी को देखो, वी को क्या लिख लूं मैं? लैम्डा बाई टी लिख लूं, तो पाप तो नहीं है? इसी को देखो, अब इसी को क्या कर लूं मैं? यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वन अपॉन टी क्या होता है? बोलो. फ्रीक्वेंसी. तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया? एफ लैम्डा. ये फॉर्मूला सुनने चाहे बचपन में पढ़ा हो तुम लोगों ने सारे फॉर्मूले. ये फॉर्मूला चमका भाई? यस सर. अच्छा, तो तुमने शायद ऑप्टिक्स पढ़ी होगी दसवीं में या छोले दे के पास हो, पता नहीं. तो एक बात बताओ मुझे, कलर प्रॉपर्टी किसकी होती है? वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की? कलर प्रॉपर्टी किसकी? रंग किससे देखते हैं? वेवलेंथ से देखते हैं या फ्रीक्वेंसी से देखते हैं? Frequency. Wow, by God. Wavelength क्यों नहीं? यार तुम्हें याद है? Vibe की और
बात करते थे आपा वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड आपा लिखते थे 3400 से लेके 7600 लिखते थे ज्यादा था कुछ कुछ तो ये क्या थी तो लैम्डा था बेटा अरे हाँ ना तो बोलो यस सर तो फिर तुम बोल रहे हो कलर प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी की है हाँ दीपाली दीपाली यस सर तो सही बोल रही है फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी होती है लेकिन ये लैम्डा यूज करते हैं किसके लिए एयर के लिए होता है अगर किसी और मीडियम की बात करेंगे तो लैम्डा बदल जाएगा बेटा ध्यान रखना ठीक है सही बोल रहे हो कलर प्रॉपर्टी किसकी होती है फ्रीक्वेंसी की होती है नॉट ऑफ वेवलेंथ ठीक है अब सुनो तुम्हें याद होगा अगर मीडियम बदलने में क्या बदलता है याद करो तुमने पढ़ा हुआ दसवीं में मीडियम बदलने में क्या बदलता है वी बदलता है एफ बदलता है लैम्डा बदलता है बेसिक बेसिक बातें हैं दसवीं में पढ़ा रहा हूं बिल्कुल बताओ भाई वी बदलता है एफ बदलता है लैम्डा बदलता है बोलो बोलो क्या बदलता है भाई यार तुम कितना भूल गए हो अगर मान लो रोड खाली हो तुम्हारी स्पीड ज्यादा होगी बेटा मानते हो और अगर मान लो पत्थर रास्ता आ गया भाई साहब मीडियम आया कोई तो स्पीड कम हो जाएगी बेटा मानते हो तो वी चेंज होगा लैम्डा भी चेंज होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पे सोर्स पे चमका या प्राण निकल गए बोलो पापियों यस सर ठीक है संजू गायब हो गया संजू है प्रेजेंट हूँ सर प्रेजेंट है शांत कैसे आज बनी चल तो देखो बेटा मीडियम बदलने पे वी बदलेगा और लैम्डा बदलेगा फ्रीक्वेंसी बदलने वाला नहीं है चमका बोरिंग काम लग रहा है क्या नो सर ठीक है तो ये बेसिक बेसिक ज्ञान दिया मैंने वेव क्या होती है ठीक है जी और इनकी प्रजाति कितनी कितनी है ठीक है और थोड़ा सा रिलेशन दिया मैंने आपको अब एक कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछूं अगर मैं मान लो मुझे गुस्सा आ गया और मैं पूरब को ले गया कमरे में ठीक है जी ये काम वकुम तो करता नहीं पूरब ठीक है तो इसको कमरे में ले गया मैं और वैक्यूम क्रिएट कर दिया और मैं बाहर आ गया ठीक है जी अब पूरब को मैं बोल रहा हूँ तो पूरब को दिखाई देगा मतलब पूरब दिखाई देगा या सुनाई देगा पूरब बोल रहा था मान लो सुनाई देगा ओ बाय गॉड नहीं वैक्यूम क्रिएट कर दिया आपने ठीक है जी और इसमें अपने खड़ा कर दिया किसको पूरब को और आप बाहर से देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और पूरब बोल रहा है कुछ ठीक है जी तो बताओ दिखाई देगा सुनाई नहीं देगा बेटा मानते हो क्योंकि सुनाई देने के लिए मीडियम चाहिए बेटा मानते हो तो पूरब खाली हमें दिखाई देगा सुनाई नहीं देगा ठीक है अब सुनो अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है आपका ठीक है वीएफ का तो बोरिंग था ना थ्योरी थी तुम मजा आता है थ्योरी करो ठीक है अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि हमें क्या करना है इक्वेशन निकालनी है एसएचएन की क्या निकालनी है इक्वेशन एसएचएन तो सुनो पंडा क्या है इसमें होता क्या है जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ सबसे पहले मान लो यहाँ खड़ा है मेरे पास कौन पूरब खड़ा है मान लो ठीक है जी पूरब के बाद खड़ा है अपना क्रिश क्रिश के बाद खड़ा है संचित संचित के बाद प्रतीक ठीक है फिर अपना चिराग फिर अपना साहिल ठीक है ऐसे ये बंदे खड़े हैं
फिर लड़कियां आ गई, मान लो क्या नाम है इसका, महक आ गई, महकप्रीत आ गई, ठीक है जी, फिर संजू, दीपाली, खुशबू, ये सारे बच्चे खड़े मान लो, सीक्वेंस जो भी मुझे याद है इतना, ठीक है जी, पूजा भी आ गई मान लो, चलो ठीक है, ये सब आ गए, आरती भी आ गई, सारे बच्चे आ गए। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ पूरब को, तो खड़ा जा, ठीक है जी, और पूरब ने हाथ पकड़ रखा किसका, कृष का, कृष ने हाथ पकड़ रखा किसका, संचित का, संचित ने प्रतीक का, प्रतीक ने चिराग का, चिराग ने ऐसे कौन सा, साहिल, ठीक है, फिर महक, फिर महकप्रीत, फिर संजू, फिर दीपाली, फिर कृष, ये क्या नाम था, कंचन, फिर ये क्या था, इसे भूल गया जो भी है, पूजा और आरती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने पूरा को उठाया, जब पूरा उठेगा तो पहले पूरा उठेगा बेटा मानते, उसके बाद कौन उठेगा, उसके बाद संचित, सारे मतलब सब बंदे करेंगे क्या, वो तो बंदे खड़े रहे मैं मानते हूँ, ठीक है जी, तो पहले पूरा हुआ, फिर कृष हुआ, फिर संचित, ऐसे सारे बंदे खड़े हुए, तो सारे बंदे कर क्या रहे हैं, काम तो एक कर रहे हैं बेटा मानते हो, लेकिन मान लो इसने ये खड़ा हुआ t इक्वल टू जीरो पे, और ये खड़ा हुआ t इक्वल टू वन पे, ये खड़ा हुआ t इक्वल टू पे, तो सारे बंदे सेम ही काम कर रहे हैं, लेकिन बस फर्क क्या है, टाइमिंग का, तो बस वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेव में भी होता क्या है, सारे पार्टिकल क्या करते हैं, ऐसे चम करते हैं बेटा मानते हो, लेकिन क्या सेम टाइम पे करते हैं क्या, नो, अलग अलग टाइम पे करते, तो वो कहानी सुनाई मैंने इसलिए ताकि तुम्हें फील आए कि हर पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM ही कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद कर रहा है, ठीक है, फील आई कुछ कुछ, यस सर। चल देख, अब तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, बताना, मान ले ये पार्टिकल एक, ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल जो है ना, ये यहाँ पे है मान लो, इसका वाई ये है, ठीक है, इसका वाई ये है मेरे पास, ठीक है, तो ये वाई यहाँ पे है मान लो टाइम टी पे, टाइम टी पे पार्टिकल ये वाई यहाँ पे है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो पार्टिकल है इससे एक्स दूरी पे है, इससे एक्स दूरी पे है, और वेव जा रही है बेटा ऐसे वेलोसिटी वी से, ऐसे जा रही है वेलोसिटी वी से जा रही है बेटा, ठीक है, तो बेटा ये बताओ जो काम इसने कि अभी अब कर रहा है वो काम इस वाले पार्टिकल ने कुछ टाइम पहले किया बेटा मानते हो, अरे हाँ ना, तो बोलो, वेव इधर जा रही है, बोलो पापियों, यस सर, जो काम इसने किया कुछ टाइम पहले इसने किया, और कुछ टाइम पहले इसने किया, और उससे कुछ टाइम पहले इसने किया, तो बेटा ये बताओ कि इस वाले पार्टिकल ने, जो फर्स्ट वाला पार्टिकल ने, ये काम कब किया होगा, सबसे पहले, सबसे पहले किया, कितना पहले, ये इसका टाइम टी है, ठीक है जी, उससे कितने टाइम पहले, एक बात सुनो, डिस्टेंस होता है मेरे पास स्पीड इनटू टाइम बेटा मानते हो, अरे हाँ ना बोलो, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड बेटा मानते हो, हाँ ना बोलो, तो वेव को यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा बताओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस चला कितना बेटा, ये एक्स मानते हो, और स्पीड कितनी है, वी, तो जो काम इसने टी पे किया है वो इसने कब किया होगा, टी माइनस एक्स बाई बी बेटा मानते हो, हाँ ना बोलो, यस सर, ठीक है जी, अब इसकी जो इक्वेशन थी मान लो SHM की, वो थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी थी, तो इस पार्टिकल की क्या लिखूं इक्वेशन, क्या करूं मैं, t की जगह क्या रिप्लेस कर दूं मैं, t माइनस x बाय b, फील आई कुछ कुछ या नहीं आई, बोलो, आ गया, तो देखो अपने समझ से ही हल हो गया, समझ में आ गया, तो ये
तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t उस पार्टिकल की थी, हमें लिखनी है पहले वाले पार्टिकल की। तो क्या करेंगे अपन, a तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि काम तो सारे सेम ही करते हैं लेकिन टाइम का गैप है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, t माइनस x बाई वी लिख दूं। बोलो पापियों, ये आ गया। अब सुनो, इसको एक्सपेंड करते हैं अपन, तो क्या आएगा a साइन जीरो ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई। यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को? बोलो बोलो भाई। अब ध्यान से सुनो, v इज इक्वल टू क्या होता है, f लैम्डा बेटा मानते हो, कराया ना ऊपर इक्वेशन, देखो v इज इक्वल टू f लैम्डा, ये रहा। बोलो भाई। तो v इज इक्वल टू f लैम्डा है, गुड शाबाश। तो अगर मैं बात करूं और फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे पास, वन अपॉन टाइम पीरियड, तो v का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, लैम्डा बाई टी, याद आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है जी। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या था बोलो, वो था 2π बाई टी, अरे करवाया था ना भाई। यस सर। तो अपने पास ये एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ओमेगा बाई वी दिख रहा है, तो ये ओमेगा है, बाई वी करना है अपने को, तो 2π बाई टी डिवाइड बाई वी कर दूं, तो वी की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाई टी। अब तुम्हारा फेवरेट काम काटने का, तो ये क्या आ गया, टी ने टी को मार दिया, वैल्यू क्या आ गई, 2π बाई लैम्डा बेटा मानते हो। तो इस 2π बाई लैम्डा को नाम दिया गया के, क्या नाम दिया गया, के। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि ये ए है, ये साइन है, ये है ओमेगा टी, और ओमेगा बाई वी की वैल्यू क्या थी, 2π बाई लैम्डा, उस लैम्डा को नाम क्या दिया अपन ने, के। तो बेटा ये इक्वेशन आ गई किसकी मेरे पास, इक्वेशन ऑफ वेव, चमका या नहीं चमका, बोलो भाई पापियों, हाँ ना तो बोलो। आ गया सर। आ गया क्या, दुखी मत हो यार इतना, ठीक है चलो सुनो सर। तो, आपको पिछले चैप्टर के नोट्स के लिए कहा था। अच्छा नोट्स भेज देता हूँ, मुझे पिंग करता है, मैं भूल जाता हूँ, गजनी आदमी को बताइए, ठीक है ठीक है। तो इसी के तीन चार फॉर्म और बनाएंगे बेटा आपका, ठीक है। ये मैंने तुम्हें सिखाया इक्वेशन ऑफ वेव बनाना सिखाया है, अब इसी के दो तीन फॉर्म और करेंगे, फिर सवाल करेंगे इस प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी तो लेस देन वन मिनट रह गया है, तो अभी हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय।